हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। मेरे यूट्यूब चैनल द हैप्पी गार्डनिंग लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी छुट्टी है, आज रक्षाबंधन है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी फैमिली को। तो मेरी तरफ से आप अपनी फैमिली में सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आप दे दें। तो आज मेरी छुट्टी है, तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक क्रिस एंथम है जिसे हम गुलदाउदी कहते हैं, तो इसकी हम कटिंग्स किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगस्त हो चुका है और अभी बारिशों का सीज़न है, तो अच्छा है इनके लिए कि हम इनकी कटिंग्स अभी लगा दें, तो सर्दियों तक ये काफ़ी अच्छे ग्रोथ हो जाएगी इनकी और बहुत ही अच्छे फ्लावर्स इनमें आते हैं। तो मेरे पास इनमें वाइट फ्लावर की भी है और रेड फ्लावर की भी है, तो हम कुछ कटिंग्स इसमें से ले लेते हैं। और जो कटिंग आपको लेनी है इनकी, जैसे आपको ये स्टेम जो दिख रहा है, तो आप इनकी 3 से 4 इंच की कटिंग्स आप इनकी ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा ग्रो हो जाता है कटिंग से भी ये पौधा। तो मैं इनकी सबसे पहले कटिंग्स ले लेता हूँ। कटिंग लेने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरे गुलदाउदी के पौधे हैं, वो देखिए अभी भी कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं, और ये सभी मैंने कटिंग से ही ग्रो किए थे। तो ये देखिए, तो मैं इन्हीं प्लांट्स में से कुछ स्टेम्स मैं कट करूँगा, 5 से 6, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे कंटेनर्स में देखिए मैं लगा रखे हैं, और ये छोटे कंटेनर में भी फ्लावरिंग ये दे देता है। तो हम कटिंग ले लेते हैं। अब जो ये बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं, हम इनको ही कट करेंगे, और जहाँ से हम इनकी कटिंग लगाएंगे लेके, तो वहाँ से ये वापस से अपने आप वहीं से इसकी ब्रांचेज निकलना चालू हो जाएगी। इसमें से मैंने 3 कटिंगें ली है अभी, 1, 2 और ये 3। बाकी मैं दूसरे मेरे जो प्लांट्स हैं उसमें से मैं कटिंग कट कर लेता हूँ। कुछ कटिंग्स मैंने पिछले साल मैंने इसमें भी ग्रो करी थी, तो ये भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो इसमें से भी मैं 2-3 कटिंग इसमें से मैं कट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, ये हो गई। टोटल मैंने अभी आपको दिखाने के लिए 5 कटिंगें ली है, किस तरीके से आप भी अपने घर पे इन छोटी छोटी कटिंग से आप भी गुलदाउदी के पौधे अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे ये फ्लावर देते हैं विंटर्स में। ये 5 कटिंग्स मैंने काट ली है, अब इनकी जो नीचे की जो ये एक्स्ट्रा लीव्स हैं मैं इनको हटा दूंगा, और इन कटिंग्स को अब थोड़ी देर इस बाउल में मैंने पानी ले लिया है, मैं थोड़ी देर इनको इन कटिंग्स को इस पानी में रखूंगा। ये देखिए, मैंने इन सभी कटिंग्स पे से जो नीचे की इनकी पत्तियां थी वो मैंने हटा दी है, तो ये देखिए कितनी सारी पत्तियां इनमें से निकली है। तो जब हम पत्तियां हटा देंगे तो आपकी जो कटिंग है इस तरीके से दिखेगी, और जो ये जहाँ से हमने लीव्स इनकी हटाई है पत्तियां, तो वहीं से इनकी रूट्स नई नई जो इसमें ग्रोथ होएगी वो इन्हीं जगह से रूट्स निकलेंगी। तो मैं इनको पहले पानी में रख देता हूँ सभी कटिंग्स को। और मेरे पास कोई रूटिंग हार्मोन नहीं है, तो मैं थोड़ी सी इनके जो टिप्स हैं नीचे की, मैं उस पर एलोवेरा जेल लगा दूंगा, तो मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो पौधा है मेरा उसमें से मैं एक लीव कट कर लेता हूँ। ये मैंने एलोवेरा की छोटी सी एक जो पत्ती है उसको मैंने कट कर लिया है। अब आपको इन कटिंग्स लगाने के लिए इस तरीके का आप कोई भी छोटा, मेरा ये जो चिड़ियाओं को पानी वगैरह रखते हैं मैंने वो लिया है, इसी में मैं ऐसी कटिंग ग्रो करूँगा। और मैंने इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ मैंने बजरी ली है जिसे सैंड कहते हैं, क्योंकि हम इसी में इन कटिंग को ग्रो करेंगे। और आप लेकिन ध्यान रखें, बजरी जब भी आप यूज़ करें तो उसको अच्छी तरह पहले आप धो लीजिए, ताकि उसमें कोई भी गंदगी या कुछ कीड़े वगैरह या कुछ भी हो तो वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। अब सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगा इस तरीके से, और जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो जो मेरा नीचे मैंने होल किया है उसमें से अभी ये थोड़ी देर में ड्रेन आउट हो जाएगा। देखिए, जितना भी मैंने पानी डाला था वो सब बाहर निकल चुका है। अब आप किसी भी चीज़ की मदद से आप इसमें 5 होल कर लीजिए। मैंने 5 कटिंग ली है, 1, 2, 3, 4 और ये 5।
मैंने 5 फिटिंग अभी इसलिए लिए ताकि जब ये रूट्स पकड़ लेंगी तो इनको निकालने में मुझे काफ़ी आसानी रहेगी। जब मैं इसको पॉट मिट्टी में शिफ्ट करूँगा तब तो हम कटिंग्स पे अब थोड़ा इनकी जो टिप्स है उस पर एलोवेरा जेल लगा लेते हैं ताकि इनकी रूट्स अच्छी बन पाए। ये मेरा छोटा सा गार्डनिंग टूल बॉक्स है तो इसमें से मैं एक पेचकस निकाल लेता हूँ जिससे एलोवेरा जेल मैं थोड़ी सी उसको निकाल पाऊँ उसमें से। अब हम इन सभी कटिंग्स पे एलोवेरा जेल लगा लेते हैं। तो इस तरीके से बस इसमें थोड़ी सी जेल जो है उसको आप किसी चीज़ से हल्का कर लीजिए और इसको डंडियों को इस तरीके से इनमें एलोवेरा में जेल में आप लगा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, ये एक दूसरी कटिंग को लगा लेते हैं हम। आपको इसके आगे बताता हूँ। एलोवेरा जेल लगा के हमारी कटिंग सब रेडी है। एलोवेरा जेल मैंने इसलिए लगाई है ताकि जब भी कटिंग्स को हम लगाएं तो अंदर कोई भी फंगस वगैरह इस पर नहीं लगेगी। तो अब इस तरीके से आप एक एक कटिंग्स को बस इसमें रख दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है घर में इन कटिंग्स को ग्रो करने का और अभी बारिशों का मौसम भी है तो ये बहुत ही जल्दी इनमें रूट्स भी आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इनकी कटिंग लगा दी है और इनको अब आप हल्का हल्का अच्छी तरह इनको दबा दीजिए ताकि इनके आसपास कोई भी जगह नहीं रहे। इस तरीके से ऐसे गुलदाउदी में बहुत सी वैरायटियां मार्केट में मिलती है, उसमें अलग अलग फ्लावर्स आते हैं। तो मैं तो किसी के घर से ये कटिंगें लाया था और मैंने तो मेरे घर में ही इन कटिंग्स को लगा लगा के नए नए पौधे मैंने बना लिए हैं काफ़ी मेरे घर पे। तो सर्दियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं ये और 10 से 15 दिन तक इनके फ्लावर्स बहुत ही अच्छे खिलते रहते हैं। और जब भी इनके फ्लावर्स खिलते हैं तो मैं इनको बालकनी में रख देता हूँ मेरे नीचे वाली, जहाँ की बहुत अच्छा वहाँ मुझे लगता है फिर इनको देखकर। तो इस तरीके से और इसको लगाने के बाद आपको इसको थोड़े दिन 5-6 दिन आपको इसको शेड में रखना है और उसके बाद जब ये कटिंग्स थोड़ी अच्छी हो जाएंगी तो मैं इसको फिर सेमी शेड में शिफ्ट करूँगा और इसको 15 से 20 दिन या 25 दिन बाद मैं इनको जब शिफ्ट करूँगा मिट्टी में तो उसका भी मैं वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगा कि इनमें किस तरीके से अच्छी रूटिंग हुई जो हमने आपको ये प्रोसेस बताया लगाने का गुलदाउदी का। तो वो ये देखिए मैंने इसमें कटिंग हमारी लग गई हैं और अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा अच्छी तरह क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो तो बजरी है तो उसमें से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो मैं इसमें पानी डाल देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर हो तो आप पानी में थोड़ा सा आधा चम्मच या थोड़ा उससे भी कम खोल के आप इसमें डाल सकते हैं, बट मैंने कभी ऐसा नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप भी फंगीसाइड डालें या फिर वो ज़रूरी है। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपके गुलदाउदी की जो कटिंग है वो लगकर रेडी है। तो आप भी इस तरीके से लगाएं और नए नए पौधे आप भी अपने घर में तैयार करें। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मेरे को बताएं और मेरे चैनल पे जो भी प्लीज़ नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।